हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आज हम चाल, दूरी और समय का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, तब इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपने पहला और दूसरा जरूर देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक चोर चोरी करके 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। उसके आधे घंटे बाद पुलिस ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा किया। चोर कब पकड़ा जाएगा तथा घटना स्थल से कितनी दूर पकड़ा जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए, इसको हम लोग पहले विस्तार से लगाएंगे, फिर आपको एक ट्रिक दिखाएंगे और उस ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को आप मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक सवाल को विस्तार से हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमको एक खींचना है लाइन और एक बराबर का चिन्ह लगा के फिर से लाइन खींचना है। हालांकि ट्रिक जैसा ही लग रहा है, लेकिन है ये विस्तार। और यहाँ हम लिखेंगे समय। क्या लिखेंगे? समय। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए, जो चोर है उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और जो पुलिस है उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बाएं साइड वाले में चोर का हिसाब लिखना है और दाएं साइड वाले में पुलिस का हिसाब लिखना है। ठीक है, अब देखिए कि कितनी दूर जाके पकड़ा जाएगा। तो माना एक्स किलोमीटर दूर जाके पकड़ा जाएगा। तो पुलिस चोर के ऊपर हमने लिख दिया एक्स। ये एक्स क्या है? दूरी। और पुलिस के ऊपर हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस। अब प्लस क्यों लगाया गया? क्योंकि जितने समय में चोर सिर्फ एक्स किलोमीटर जाएगा, उतने ही समय में पुलिस ये वाली भी दूरी अर्थात एक्स की भी दूरी तय करेगा, प्लस जो आधा घंटा तक चोर भाग चुका है उसको भी तो तय करेगा उतने ही समय में, तभी पकड़ पाएगा। तो चोर जो है आधे घंटे में कितना दूर गया होगा? चोर की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटे तक भागा है क्योंकि आधे घंटे बाद पुलिस ने पीछा किया है। तो आधे घंटे में वो कितना गया है? 15 किलोमीटर। तो जो पुलिस है उसे 15 किलोमीटर और दूरी तय करनी पड़ेगी क्योंकि 15 किलोमीटर चोर पहले ही भाग चुका है। अब ठीक है, काट दिए, 0 से 0 हमने काट दिया। 4 का x में गुणा कर दिया, 4x। 3 का x में गुणा किया, 3x। प्लस 15 का 3 में गुणा किया, 15 * 3 = 45। समीकरण के नियम से 4x - 3x = 45, यानी कि x = 45। तो हमें लिखना है कुल दूरी। कुल दूरी, कुल दूरी कौन आएगी? x प्लस 15, यानी कि 45 प्लस 15 = 60 किलोमीटर। अब ये समझिए कि 45 क्या है और 60 क्या है। तो जब चोर चोरी करके भागा तो आधे घंटे में वो 15 किलोमीटर दूर गया था, उसके बाद 45 किलोमीटर और गया, तो कुल 60 किलोमीटर दूर जाकर वो पकड़ा गया। अर्थात आधे घंटे बाद चोर सिर्फ 45 किलोमीटर ही भागा, लेकिन पुलिस को आधे घंटे बाद कुल 60 किलोमीटर भागना पड़ा। तो आपका आंसर क्या होगा? 60 किलोमीटर। अब कह रहा है कितने समय, यानी कि समय भी अगर आपको निकालना पड़ जाए, तो चूंकि समय का तो फार्मूला लिखा ही गया है, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी आई? दूरी आई है 60। ठीक है, तो कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय कितना आएगा? 30, यानी कि 30 * 60 कितना आएगा? 2 घंटा। तो ध्यान रखिएगा, टोटल समय निकालने के लिए हमें जिसकी चाल कम है उसमें भाग देना है, यानी चोर वाले में भाग देना है, पुलिस वाले में नहीं। ये हमने समझा विस्तार से। अगर इसको हम ट्रिक से लगाएं तो यकीन मानिए ये सवाल सिर्फ 10 सेकंड में लग जाएगी। तो आइए ट्रिक से समझ लेते हैं और बाकी की 2 सवाल और हैं उसे भी हम लोग ट्रिक से लगाएंगे। ट्रिक से लगाते हैं। ट्रिक में क्या काम करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो दोनों की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों की चालों का लघुत्तम निकालेंगे, यानी 30 और 40 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम,
लघुत्तम समापवर्तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक निकालना आता होगा। तो 30 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक जब आप लोग निकालेंगे तो आएगा 120। अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको भी आप लोगों को सिखा देंगे। तो 30-40 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 120। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालनी है दूरी। अगर तो ये जो लघुत्तम आया है 120, इसमें गुणा कर दीजिए। किसका गुणा कर दीजिए? चोर जब भागा और पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो दोनों में कितना का समय अंतराल रहा? समय अंतराल कितने का रहा? आधे घंटे का। यानी आधे घंटे बाद पुलिस भागा है, तो इसी आधे घंटे का इसके लघुत्तम में आप गुणा कर दीजिए। तो 120, 91 में 120 बटे 2 बराबर 60 किलोमीटर। बहुत आराम से निकल गया। अब समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा? बस 60 लिख दीजिए दूरी, और चोर वाला लिख दीजिए चाल। कितना आ गया? 2 घंटा। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं। रामपुर से लखनऊ के लिए सुबह 8 बजे एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। सुबह 9 बजे दूसरी बस उसके पीछे पीछे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों कब मिलेंगी? समय पूछ रहा है कि कितने बजे दोनों मिलेंगी। हमें सबसे पहले निकालना है कि कितनी दूर जाके मिलेंगी। तो दूरी निकालने के लिए दोनों के चालों का लघुत्तम निकालेंगे, यानी कि 60 और 80 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। आप लोग निकाल लीजिए, 60 80 का एलसीएम होगा 240। 240। अब दूरी निकालने के लिए डी बराबर इस लघुत्तम में हमें गुणा कर देना है। बस किसका गुणा करना है? पहली बस और दूसरी बस के छूटने का जो समय अंतराल है, 8 बजे पहली बस छूटी, दूसरी बस 9 बजे, अर्थात 1 घंटे का अंतर है। तो 240 इकन्नम 240 किलोमीटर। सवाल लग गई। अगर पूछा जाए कि कितनी दूरी पे जाके पकड़ी जाएगी, 240 किलोमीटर दूरी पर। लेकिन पूछ रहा है समय। टी समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है? 240। और चाल किसका लिखेंगे, पहली बस का या दूसरी बस का? जिस बस की चाल कम है, जैसे उसमें हमने चोर का लिखा था क्योंकि चोर की चाल कम थी, वैसे ही जिस बस की चाल कम है, तो 60 वाले से भाग कर दीजिए। 0 से कट गया 0, 6 चौके 24, 4 घंटा। अब इस 4 को हमें जोड़ना है। किस में जोड़ना है? 8 में। चूंकि 8 बजे पहली बस चली थी और 4 घंटे बाद मिलेगी, तो 8 4 12, आपका टाइम क्या आएगा? 12 बजे। दूरी पूछेगा 240, समय पूछेगा 12 बजे। तीसरा प्रश्न है, चोर चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा, उसके 2 घंटे बाद पुलिस ने पीछा किया। यदि पुलिस की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो चोर कितनी दूर जाकर पकड़ा जाएगा? कुछ नहीं करना है आपको। 40 जो चाल थी चोर की और 50 जो चाल थी पुलिस की, इनका लघुत्तम निकाल लेना है एलसीएम। और 50 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 200। ठीक है ना, 50 40 का एलसीएम आएगा 200। आपको निकालनी है दूरी, डिस्टेंस। 200 में गुणा कर दीजिए। पहला जो चोर भागा है उसके 2 घंटे बाद पुलिस ने पीछा किया, तो 2 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा? 400 किलोमीटर। क्या क्वेश्चन था? कितनी दूर जाकर पकड़ा जाएगा? चोरी करने के यानी कि जहाँ घटना स्थल था वहाँ से 400 किलोमीटर आगे जाके चोर पकड़ा जाएगा। अगर मान लो इसी में समय भी पूछ लिया होता टी, तो क्या काम करते आप? दूरी लिखते और दूरी में 40 का भाग कर देते, तो कितना आता? 10 घंटा। तो है ना कमाल की ट्रिक, बहुत आसान है। बस लघुत्तम निकाल लेना है दोनों की चालों का, जो भी आएगा उसमें हमें गुणा कर देना है। किसका गुणा करना है? पहले के निकलने की और दूसरे के निकलने के बीच जितना समय है, समय अंतराल का गुणा करना है। बस